तो दोस्तों आज का ये वीडियो है क्यू एन ए सीरीज क्वेश्चन एंड आंसर। मेरे पास कमेंट आए हैं, उनके मैं आंसर देने वाला हूँ। ये काफ़ी दिन में मैं बना रहा हूँ, हो सकता है अब आपको कमिंग संडे में एक क्यू एन ए वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। तो आज बात करते हैं कुछ कमेंट्स के बारे में जो मेरे पास आए हैं, जिसमें पहला कमेंट है, हाय सर, हाउ मनी राउंड्स ऑफ इंटरव्यू इन एमएनसी फॉर 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सर्विस डेस्क इन स्मॉल कंपनी, लाइक वॉट इज़ द इंटरव्यू प्रोसेस। तो मैं आपको बता दूँ कि राउंड्स अगर कंपनी में होते हैं तो मैक्स राउंड होते हैं 3, या हो सकता है आपका 2 में भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन मैक्स राउंड 3 भी होते हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई इंटरव्यू के टाइप का अगर राउंड वो बता रहे हैं, तो मींस आपका डिस्कशन होना है। आप ये समझ लो कि आपका 80% सेलेक्ट हो गया। अगर 3 से ज़्यादा आपके राउंड हुए हैं तो आप समझ लो कि आपका उस कंपनी में 80% सिलेक्शन हो गया, और नहीं तो कई बार वो 2 राउंड में ही सेलेक्ट कर लेते हैं। और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है वो एक ही बार में दोनों इंटरव्यू ले लेते हैं, टेक्निकल भी और HR राउंड जो होता है कम्युनिकेशन के लिए, वो दोनों राउंड सेम डे पे ही ले लेते हैं। और MNC में हो सकता है कि मैक्स 3 होंगे, नहीं तो आपका 2 में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 3 से ज़्यादा राउंड हो रहे हैं तो समझ लो कि उनके पास कोई कन्फ्यूजन है, कोई और भी बंदा है किसको लें किसको लें, इस वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन कराते हैं। तो 4 राउंड 5 राउंड पे अगर आप जाता है तो आप समझ लो आपका 80% सिलेक्शन हो गया उस कंपनी में। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर, EXL सर्विस में कैसे करते हैं वेरिफिकेशन? देखो, मैंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप वो जाके भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी का अलग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, किसी कंपनी का अलग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। 90% सेम होता है सारी कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो भी होता है। बस क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे रियल होने चाहिए, टेस्टेबल होने चाहिए, उसके बाद आपको फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी वो बस पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, उनके बंदे विजिट करते हैं, हो सकता है ईमेल पे वेरिफिकेशन करें, वॉट एवर दे वांट, जैसे भी उनको करना है वो वैसे वहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, सर मैंने लिनक्स कंप्लीट कर लिया पर जॉब नहीं मिल रही है, प्लीज़ हेल्प मी सर। तो बेसिकली क्या है, लिनक्स की मैं बात नहीं करूँ यहाँ पे, लिनक्स हो, क्लाउड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, नेटवर्किंग हो, सिक्योरिटी हो, जावा हो, PHP हो, .NET हो, कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग स्किल हो, कोई भी ऐसी कोडिंग स्किल हो, कोई भी ऐसा कोर्स हो, तो दोस्तों वो करने से मतलब नहीं होता है। आपने वो कोर्स कंप्लीट किया, दैट इज़ गुड, लेकिन उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिकली कितनी नॉलेज है या आपने उसको कितने अच्छे से किया है, वो पॉइंट कंपनी देखती है। आपके पास सर्टिफिकेशन अगर ओरिजिनल है, सपोज़ RHCSA का सर्टिफिकेशन आपका ओरिजिनल है, वैलिड है, मानेंगे उस चीज़ को, लेकिन फिर भी आपका इंटरव्यू, ऐसा तो है नहीं कि आपने क्लाउड सर्टिफिकेशन कर लिया एग्ज़ाम देके और आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या कैसे काम करता है, उसमें सर्विसेज होती हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, सिविल इंजीनियर एक्सपीरियंस मिल पाएगा? तो एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो किसी भी प्रोफाइल का हो और किसी भी लोकेशन में अगर आप हो तो आपको कहीं भी एक्सपीरियंस लेटर बन जाता है, बट ये इलीगल होता है, वेरी इन सब चीज़ों से बहुत सेफ रहें। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ग्रेजुएशन मार्कशीट का वेरिफिकेशन होता है क्या? जी हाँ, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके 10th से लेकर 10th 12th ग्रेजुएशन या मास्टर ग्रेजुएशन, अगर आपने कुछ भी किया ग्रेजुएशन या मास्टर ग्रेजुएशन, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सारे वेरिफिकेशन होते हैं, और वो ऑनलाइन पोर्टल से चेक कर लेते हैं आपके रोल नंबर से, आपके एनरोलमेंट नंबर से, वहीं से उनको पता चल जाता है कि वो डॉक्यूमेंट्स रियल है या फेक है। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बच के रहें, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवेयर रहें बस। तो आज के इस Q&A सीरीज में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम महंत, नेक्स्ट वीडियो में टेल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।